अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों यह है मेरे हाथ में जियो फोन 2 जो हो चुका है कुछ महीने पहले लॉन्च, यह अभी आया मेरे हाथ में। आज मैं करूंगा इसका क्विक अनबॉक्सिंग। मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं योरटेक। करते हैं इस फोन के अंदर की बात। दोस्तों यह है जियो फोन 2, जियो का डिवाइस क्वाटर कीपैड वाला, और यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है जियो डिजिटल लाइफ। बहुत ही साधारण पैकिंग है। मैंने इसे मंगाया था माई जियो ऐप के थ्रू और 2-3 दिन के अंदर ये डिलीवर हो गया। तो जल्दी इसे करते हैं, इसकी क्विक अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या है इस बॉक्स के अंदर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से ये देखिए ऐसे खुल गया। ये रहा जियो का फ़ोन, ये इसका बिल और डिटेल्स, इसको कर देते हम साइड। ये रहा बॉक्स। तो ये कुछ जो पुराना जियो का फ़ोन था उसी के जैसा साइज़ है। बॉक्स साइज़ तो लगभग उसी जैसा ही है, थोड़ा सा ये बॉक्स बड़ा है आप देख सकते हैं, और पैकिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ ज़्यादा पैकिंग नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें भी काफ़ी फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हुई है। प्राइस इसका लिखा हुआ है 2999, और ये एक बेसिक फ़ोन है। इसमें आपको एक हैंडसेट, एक अडाप्टर, एक बैटरी, एक जियो गाइड और वारंटी कार्ड और एक जियो सिम कार्ड आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो है बहुत बेसिक डिवाइस, देखते हैं क्या क्या और हमें सरप्राइज़ कर सकता है। तो जल्दी से इसकी पॉलीथीन यहाँ से निकाल देते हैं। और ये रहा हमारा जियो डिवाइस, ये देखिए। अगर आप लोगों को याद होगा तो इस तरह के फ़ोन लगभग 4-5 साल पहले आया करते थे, माइक्रोमैक्स के Q2, Q3, Q4, Q5 डिवाइसेस ऐसे हुआ करते थे, क्वाट्री वाले। नोकिया ने भी ऐसे फ़ोन रिलीज़ किए थे, कई लोगों को ये बहुत पसंद आए थे। मुझे भी यकीन बहुत पसंद थे ऐसे क्वार्टर की बट थोड़े। ब्लैकबेरी ने जब ये फ़ोन लॉन्च किए थे तो ये बड़ा शानदार लुक देता था, काफ़ी शानदार है। यहाँ आप देख सकते हैं ये टैप एंड पे जो बहुत शानदार होने वाला है। और क्या क्या इस डिवाइस के अंदर, इस बॉक्स के अंदर सरप्राइज पैकिंग है। ओके, तो ये बैटरी है, ये काफ़ी बड़ी बैटरी दिख रही है मुझे, लगभग ये 2000 mAh की बैटरी है। यहाँ 2000 mAh लिखा हुआ है, 2000 mAh की बैटरी है, 7.4 वॉट की, 3.7 वोल्ट की, तो काफ़ी बड़ी बैटरी है। और बैटरी के मामले में यकीन बहुत डिसअपॉइंट किया था जो जियो का पुराना डिवाइस था उसने। ये चार्जर है जो पुराने जैसे डिवाइस में आया था वैसा ही है। और ये कुछ यूज़र मैनुअल्स हैं, बस ये कुछ था इसका कंटेंट। कर देते हैं इस बॉक्स को साइड, जल्दी से इस फ़ोन को, इस सिम को इंसर्ट करके देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें खास। बैटरी इंसर्ट करने के लिए वो पुराना तरीका है, यहाँ आपको एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ आप उसको दबाएंगे ऐसे तो ये ऐसे खुल जाएगा बैटरी इंसर्शन के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ इन्होंने पहले से एक जियो का सिम डाल रखा है, पता नहीं ये मेरे ख्याल से जैसे ही हम यूज़ करेंगे वैसे एक्टिवेट हो जाएगा शायद। जो पुराना जियो का डिवाइस था उसमें बैटरी ट्रे में एक सिम लगी हुई नहीं आती थी, आपको सिम खरीदनी पड़ रही थी। तो नॉर्मल बड़ा बेसिक फ़ोन है, मतलब मेरे ख्याल से कोई भी इसे चला सकता है। मैं करता हूँ इसे ऑन, देखिए रेड बटन आप दबा के रखिए ऑन हो जाएगा। तो जब तक ये बूट होता है तब तक इस फ़ोन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इस फ़ोन में आपको मिल जाएगा माई जियो ऐप, जियो चैट, जियो टीवी आप चला सकते हैं, जियो सिनेमा का मज़ा ले सकते हैं, जियो म्यूज़िक भी है, मतलब जियो के सभी ऐप इसमें आप इंजॉय कर पाएंगे। इसमें HD वॉइस कॉलिंग, 4G इंटरनेट ब्राउजिंग, मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, GPS, ब्लूटूथ, वायरलेस FM रेडियो, वाईफाई कनेक्ट आप कर पाएंगे, टैप एंड पे। पीछे मैंने आपको दिखाया था टैप एंड पे का, यहाँ देख सकते हैं आप टैप एंड पे। तो जियो स्पेशल इसमें आपको मिल जाएगा 2.4 इंचज़ का TFT डिस्प्ले है, 2 MP का VGA कैमरा है, 2000 mAh बैटरी जैसे मैंने बताया, 512 MB का रैम है, 4GB इनबिल्ट है, और आप इसे 128 GB तक एक्सपैंड कर पाएंगे, 3.5 mm का जैक भी है, हालांकि इसके अंदर हेडफोन नहीं आया है। तो देखते हैं,
आपको आवाज़ आई होगी टू टू करके अभी बोला, तो अब ये स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों ये मुझसे पूछ रहा है लैंग्वेजेस, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो लैंग्वेज सेट एक्सेप्ट, और ये देखिए ये बहुत ही मेरे ख्याल से वैसा ही फ़ोन है जैसा आपने जो पुराना फ़ोन देखा था, बट ये क्वार्टरी कीपैड के साथ है, दिख वैसे ही रहा है, उसी तरह से यूज़ किया जा रहा है जैसे पहले था। इसमें आपको हर वो ऑप्शन मिल जाएंगे जो पुराने फ़ोन में थे, लेकिन सबसे शानदार बात मुझे लगती है कि शायद बैटरी होगी, और थोड़ा सा ये देखने में उससे बेटर है, थोड़ा प्रीमियम लुकिंग है। तो ये अपने 3,000 रुपये के प्राइस को जस्टिफाई तो देखिए करता है। इसमें आपको यहाँ पे वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्रंट फेसिंग वीडियो कॉलिंग आपको मिल जाएगी, और जैसा कि मैंने कहा था ये सिम अपने आप चालू हो गई है, आप देख सकते हैं ऊपर सिम वन का ऑप्शन आ रहा है, ये सिम इसमें ऑलरेडी डली हुई थी। तो मेरे ख्याल से ये वैसा ही फ़ोन है। इसमें भी आपको टॉर्च मिल जाएगा, टॉर्च के लिए आपको थोड़ा दबा के रखना पड़ेगा इसे, थोड़ा बेहतरीन है देखिए। तो ये एक बहुत ही बेसिक फ़ोन है, खासकर उनके लिए जो बहुत महंगे 4G फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते, एक ड्यूरेबल शानदार फ़ोन चाहिए, तो यकीनन ये बहुत बेस्ट चॉइस होने वाला है। तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए अनबॉक्स किया ये जियो फ़ोन 2, यकीनन क्वार्टरी कीपैड के साथ काफ़ी शानदार जियो ने फ़ोन निकाला है, टैब एंड पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, ज़्यादा तो मेरे ख्याल से खास नहीं है, लेकिन 3,000 रुपये में भाई इससे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा। तो यकीनन ये फ़ोन लेना बनता है, और इसे आप अपने पेरेंट्स को या ऐसे व्यक्ति को जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हो और आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं, आप दे सकते हैं। हर चीज़ है इस फ़ोन में और प्राइस है बहुत कम, यकीनन ये काफ़ी चलने वाला है फ़ोन। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले।